जो भी खबरें आ रही हैं उससे एक भ्रम की स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा हुई और असमंजस बना हुआ है। कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है आखिर ये वजह क्यों बन गई। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे, जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कभी उधर ऐसे माहौल में तो विश्वसनीयता की कमी हो जाती है जो हो गई है बिहार में। तो इस भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को। कांग्रेस भी चाहती है कि जल्द से जल्द असमंजस की स्थिति को दूर करना चाहिए। श्रीमती बोलते हैं कि राजनीति में दरवाजे कभी परमानेंट बंद नहीं होते हैं। सुशील मोदी जी कब क्या बोलते रहे हैं हाल फिलहाल तक, कल परसों तक और आज क्या बोल रहे हैं, वो अपने आप में बताने को पर्याप्त है कि आया राम गया राम पॉलिटिक्स में भाजपा भी आकंठ डूबी हुई है। राज्य की जनता इन चीजों को देख रही है, कल कौन क्या बोल रहा था आज कौन क्या बोल रहा है। इस तरह के बयानों का कोई मायने मतलब तो रहा नहीं है। जब कोई घटनाक्रम घटित हो जाएगी फिर कांग्रेस आधिकारिक रूप से अपना स्टैंड बताएगी। गोपाल मंडल जो भी चल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि महागठबंधन में उनको सम्मान नहीं मिला। देखिए अब इस तरह के बयान आना स्वाभाविक है। इसलिए मैंने कहा ना कौन क्या बोल रहे हैं कल क्या बोलते थे ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उठाए गए कदम और उनके बयान, जिसकी प्रतीक्षा राज्य की जनता कर रही है कि नीतीश जी अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे। उन्हें बताना चाहिए आखिर क्या परिस्थिति हो गई कि कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, या जो स्थिति असमंजस की बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है, क्या इसको दूर करना उचित नहीं समझते वो। तो कांग्रेस भी इस राय की पक्षधर है जो आरजेडी ने कहा था कि असमंजस की स्थिति को दूर करना चाहिए। अखिलेश यादव बोलते हैं कि अगर वो इंडी लास्ट है बिकम द प्राइम मिनिस्टर। कि अपना अपना विचार है, उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, हम लोग भी तो बहुत कुछ उनको प्रमुखता देकर ही काम कर रहे थे। उनकी बड़ी अच्छी भूमिका चल रही थी इंडिया गठबंधन को सक्रिय करने मजबूती करने में वो अपना योगदान दे रहे थे। और उन बातों का क्या हुआ जो वो कहते थे कि देश में लोकतंत्र को बीजेपी कमजोर कर रही है, वो कहते थे कि भाईचारा को मिटाने की कोशिश हो रही है। नीतीश जी का ही बयान हाल फिलहाल तक आता था कि बीजेपी और बीजेपी की जो राजनीति है वो लोगों में दूरियां बढ़ा रहा है। ये नीतीश जी बोलते थे लोकतंत्र को कमजोर करने का, कई बार उन्होंने आरोप लगाया भाजपा पर। अब की परिस्थिति देखिए जो घटनाक्रम बदल रहा है कई प्रकार के सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस तरह का बयान देने का क्या मतलब था, क्या जो बयान नहीं अपनी जगह पर रिलेवेंस रखता है कि नहीं रखता है। इन तमाम चीजों इसलिए मैंने कहा, राजद ने भी कहा कि स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं कि लंबे समय के साथ भाजपा के साथ रह पाएंगे? देखिए वो इफ बट ये होगा तो वो होगा इस पर बात नहीं कर सकते आज की डेट में। जब तक कोई घटनाक्रम आकार नहीं ले लेता है कांग्रेस इस संबंध में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। हमारे नजर में नीतीश जी आज भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं और हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता है। हमें उनकी बातों पर भरोसा है जो अब तक वो कहते रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बोलते रहे हैं। जब तक कोई निर्णय या कोई कदम स्वयं नीतीश जी नहीं उठाते हैं तब तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर हम नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नीतीश जी हमारे गठबंधन के आज भी इस समय तक हिस्सा बने हुए हैं। कल आईटी पार्टी थी तेजस्वी यादव पार्टी में नहीं गए गवर्नमेंट के यहां।
पुरानी बात हो गई है, गवर्नर साहब के द्वारा दी गई पार्टी थी जो गणतंत्र दिवस पे आता है, तो वो कौन उसमें आए नहीं गए ये वही लोग बताएंगे ना जो उसमें गए और जो उसमें नहीं गए, उससे मेरा बोलना उचित नहीं।